कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं रिलेशन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं। इफ ए हैज ए फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट का मतलब है काउंटेबल है जो कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, एंड बी हैज इनफाइनाइट एलिमेंट, बी में क्या है इनफाइनाइट एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट, तो हम चेक कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी में क्या आएगा, ए क्रॉस बी के अंदर में क्या आएगा इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। जब हम फाइनाइट एलिमेंट को इनफाइनाइट से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा उसका इनफाइनाइट आएगा। एक ऑब्जर्वेशन ये होगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि ए सेट के अंदर जो बी एलिमेंट है और बी सेट के अंदर क्या वो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, बी क्रॉस चौबे। जब ए सेट में बी एलिमेंट है बी सेट में क्या एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, बी क्रॉस क्यों। मतलब मान लो एग्जाम्पल ए सेट के अंदर टू एलिमेंट है और बी सेट के अंदर थ्री एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, दैट इज सिक्स। क्लियर। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में कभी इक्वल रहेंगे। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। क्या मीनिंग है इसका समझते हैं अभी। इफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, क्या मीनिंग है इसका देखते हैं। मान लो दो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई, ये इक्वल है किसके, फोर कॉमा थ्री के। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे जब उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग ऑर्डर्ड पेयर का कोरस्पोंडिंग का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। x इक्वल टू फोर आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। क्लियर। कोरस्पोंडिंग का मतलब ये कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। अब ये तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। और एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि रिलेशन को हम कैसे, मतलब ये मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी के बारे में बताया कि ए क्रॉस बी में फाइनाइट एलिमेंट होंगे, यहां से पॉइंट यहां पे भी इसको कैसे राइट करेंगे कि हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े इसको हम कैसे राइट करेंगे। मान लो ए के अंदर जैसे मैंने लिखा कि 1.2 है और बी के अंदर 3.4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने ऐसे राइट किया था ए क्रॉस बी 1.3 1.4 2.3 एंड 2.4। ये तो मैंने आपको बताया था, बट इस पे जनरल वे क्या है, जनरल मेथड क्या है, देखो मैं यहां से लिखना क्या राइट कर रहा हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब एक एलिमेंट आएगा फिर सेकंड एलिमेंट आएगा, सच दैट इसको हम बोलते हैं सच दैट, सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट वाला एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। फर्स्ट वाला आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट वाला एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है, सेकंड वाला एलिमेंट वाला है 3.4 3.4, किससे बिलोंग कर रहा है, डी से। तो यहाँ पे मैंने ये राइट किया कि ए कॉमा बी आएगा हमेशा, और फर्स्ट वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेकंड वाले से। ओके।